हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू ऑल। अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है, इट मींस आपको इन जो तीन लिस्ट आई है, बीकॉम की, बीसीए की एंड बीबीए की, इनमें आपको कॉलेज अलॉट हो चुका है। अगर आपको कॉलेज अलॉट हो चुका है, सो अब आपके डाउट होंगे कि व्हाट टू डू नेक्स्ट, व्हाट टू डू नेक्स्ट आफ्टर द सीट अलॉटमेंट ऑफ डीएचई चंडीगढ़ इन सेंट्रलाइज्ड कोर्सेज। सो गाइज, Here is the solution for you. First of all, I recommend you to watch this video. जल्दी से जाइए ये वीडियो देख लीजिए अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखी है। Because इसमें elaborate करके मैंने बताया कि how to attend online counseling for Department of Higher Education चंडीगढ़। Guys, yes, online counseling होती है। There is no provision for physical offline counseling in DHE चंडीगढ़ for first two round of counseling. First online admission schedule लिखा है ना इन्होंने, so it means कि first online admission ही होगा। And after that, guys, आप लोगों के लिए ये information है। So first of all तो ये लिखा हुआ है कि आप लोगों को जो है वो अप्लीकेंट्स जिनको कॉलेज अलॉट हुआ है वो 11 जुलाई तक अपना ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। अब एडमिशन फॉर्म डाउनलोड कैसे करना है आप लोगों ने, तो इसके लिए आपको होम वाले सेक्शन पर जाना है। एडमिशन फॉर्म कैसे डाउनलोड करोगे उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ, और बाकी आगे का प्रोसेस होम वाले सेक्शन में जाकर के आपने क्लोज करना है, क्लिक हेयर पर करना है, और उसके बाद आपके पास जो साइन इन का ऑप्शन होता है इसमें अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड आप लोगों ने डालना है। एंड आफ्टर दैट आपको चैप चैट भर के साइन इन करना है। साइन इन करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म जहां पर आपका है सक्सेसफुली सबमिटेड के साइड में रेड कलर में एक प्रिंट का ऑप्शन आएगा, उस प्रिंट के ऑप्शन पर आप लोगों ने क्लिक कर देना सी, ठीक है। उसके बाद आपका एडमिशन फॉर्म जो है वो होएगा। द एडमिशन विल बी डन एज पर द शेड्यूल गिवन बिलो। सो शेड्यूल ये है कि 12 ऑफ जुलाई को जनरल कैटेगरी, चाहे वो यूटी पुल हो चाहे आउटसाइड यूटी पुल हो, ऑनलाइन काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग कैसे करेंगे नहीं बस डिस्कस इट फर्दर, बट उससे पहले 13 जुलाई को रिजर्व्ड अनरिजर्व्ड कैटेगरी पर, सॉरी रिजर्व्ड जो कैटेगरी है चाहे वो यूटी हो या आउटसाइड यूटी हो, दोनों की काउंसलिंग होगी। इसके बाद जो है वो प्रोविजनल लिस्ट है वो अभी कॉलेज डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे, और इन केस ऑफ एनी डिस्क्रिपेंसी तो 11 जुलाई 2024 तक 12 बजे तक जो है वो कॉलेज लेवल पर डीएचई की वेबसाइट पर लॉगिन करके कर सकते हैं। इन केस अगर वो नहीं कर पाता तो उसकी एडमिशन कैंसिल हो जाएगी। इन केस ऑफ गवर्नमेंट कॉलेजेस, अब अगर ये जो आपको लिस्ट है इस लिस्ट में आपको सपोज कीजिए कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है, जैसे पोस्ट ग्रेजुएट गवर्नमेंट कॉलेज सेक्टर 42 मिला है, तो आप लोगों ने क्या करना है? अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिला है फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट में, सो आप लोगों ने फी पेमेंट करनी है। उसके लिए आपको एसएमएस आएगा, इन केस ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज आप लोगों को एसएमएस आएगा डिपॉजिट फीस के लिए, तो आपने आप लोग जो है वो डीएचई सीएसडी की वेबसाइट पर पेमेंट कर सकते हैं। डीएचई सीएसडी की वेबसाइट पर ये देखिए फी पेमेंट फॉर गवर्नमेंट कॉलेजेस, यहाँ पर जाकर के आप फी पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बट इन केस ऑफ प्राइवेट कॉलेजेस, तो आप लोगों को प्राइवेट कॉलेजेस अलग से लिंक देंगे, वो अपनी वेबसाइट का लिंक दें, किसी आपसे कोई ऐप डाउनलोड कराएं, आपको वो फी पेमेंट का लिंक आ जाएगा। द फी मस्ट बी डिपॉजिट विद इन 24 आवर्स। 24 आवर्स कैसे कैलकुलेट होंगे आपके जो है, और अगर आप 24 आवर्स में फी पेमेंट नहीं करते हो तो आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी। बट स्टिल अगर आपकी सीट कैंसिल हो जाती है तो आप सेकेंड राउंड ऑफ पार्ट काउंसलिंग में पार्ट कर सकते हो बाय फीलिंग गिविंग योर विलिंगनेस फॉर अंटिल 14th ऑफ जुलाई 2023 बाय 5 पीएम या 24 सॉरी। सो इन केस ऑफ डिस्क्रिपेंसी मांग, तो आप लोगों को जो है वो जो है एडमिशन नहीं होगी, और अगर कोई डिस्क्रिपेंसी होती है बट ऐसा नहीं होता है आपको कॉलेज मांग लेता है फॉर्म करके। अब बात जो है वो सीधी साधी ये है, इफ एन एप्लीकेंट नॉट अटेंड फर्स्ट काउंसलिंग 24 आवर्स तो वो चांस होगा विलिंगनेस फॉर्म भरने का, ये मैंने आपको बता दिया है। और अगर आपका लिस्ट में नाम नहीं है तो आप लोगों को कोई ऑनलाइन विलिंगनेस नहीं देगा। अब गाइज इसके बाद क्या आप लोगों को पता चल गया ऐसे क्या फी पेमेंट करनी है, क्या करना है? सो फी पेमेंट कब करनी है आपने? फी पेमेंट जब आपको एसएमएस आएगा उसके बाद करनी है। एसएमएस आएगा उसके बाद आपको फी पेमेंट के लिए जो है वो एक कोड दिया हुआ होगा, यहाँ पर आपने अपना एप्लीकेशन नंबर भरना है, फिर कॉलेज सिलेक्ट करना है गवर्नमेंट कॉलेजेस जितने भी हैं, फिर आपको अपना रोल नंबर आपको आपका कॉलेज बताएगा, फिर सर्च बाय फॉर्म नंबर आप लोगों ने करना है, यहाँ पर आपकी डिटेल्स आ जाएंगी आपको कॉलेज अलॉट हुआ है नहीं हुआ है। सो उसके बाद आप लोगों को आगे फी का ऑप्शन खुल जाएगा। फीस पेमेंट कैसे करनी है इससे रिलेटेड अगर आप चाहते हैं तो मैं वीडियो बना दूंगा,
अदरवाइज आप पेमेंट खुद भी कर सकते हो। इसके अलावा गाइज अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट कीजिए। सेकंड काउंसलिंग के लिए काफी ज्यादा डाउट्स हैं तो सेकंड काउंसलिंग के लिए एक सेपरेट वीडियो बन जाएगी और ये वीडियो देखना मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू सून इन अनदर वीडियो। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।